के नियम से हमने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक बहुत ही सुंदर संबंध को जाना, दोनों से जुड़ा एक संबंध जिसे प्रतिरोध कहते हैं उसके बारे में भी जाना। हमने ये भी देखा कि प्रतिरोध के बढ़ने या घटने से परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रतिरोध होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रतिरोध मोटे तौर पर किन चीजों पर निर्भर करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और साथ ही प्रतिरोध को परिपथ में लगाने के विभिन्न परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 3 नाइक्रोम के तार के टुकड़े जिनकी लंबाई 1.5 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर हो। नाइक्रोम का तार ना हो तो दूसरा कोई तार भी लिया जा सकता है। एक 1.5 मीटर मोटे नाइक्रोम के तार का टुकड़ा, एक एमीटर, एक स्विच, एक 9 वोल्ट की बैटरी और परिपथ को जोड़ने के लिए तार। परिपथ को इस तरह से जोड़े, 1.5 मीटर तार को जोड़ने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हमें एमीटर में एक रीडिंग मिलेगी, उसे टेबल में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि परिपथ को जोड़ने वाले तारों के कारण भी विभवांतर में गिरावट होती है, लेकिन यह सिद्धांत को समझने के लिए उस गिरावट को विचार में नहीं लिया गया, इसलिए जितना विभवांतर बैटरी उत्पन्न कर रही है उतना ही हिसाब में लिया है। अब इस तार को 1 मीटर वाले तार से बदलकर देखते हैं। ये क्या, एमीटर की रीडिंग में बदलाव आया है। चलिए अब 2 मीटर वाला तार लगाकर देखते हैं, रीडिंग फिर बदल गई। यदि ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि तार की लंबाई बढ़ाने से विद्युत धारा का मान कम हो रहा है, लेकिन विभवांतर तो बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ रहा है। यदि प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाए तो एक पैटर्न दिखेगा, तार की लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। लंबाई के कारण विद्युत धारा को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ा, जिस कारण उसने ज्यादा प्रतिरोध को झेला। यही कारण है कि प्रतिरोध बढ़ा और विद्युत धारा का मान कम हुआ। दूसरे केस में एक मोटा तार लगाकर देखते हैं और एमिटर की रीडिंग को पहले वाले केस से तुलना करते हैं। हमने देखा कि मोटा तार लगाने से विद्युत धारा के मान में बढ़ोतरी हुई। इसे देखे तो जानेंगे कि तार के मोटे होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा और प्रतिरोध कम होगा। दूसरे शब्दों में तार के मोटे होने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। तो इस एक्टिविटी से ये निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। और एक चीज पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की सामग्री पर, जो हमने पिछली वीडियो में जाना था। इसे गणित के तरीके से लिखा जाए तो यदि L तार की लंबाई को दर्शाता है और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, प्रतिरोध लंबाई के तो सीधे तौर पर आनुपातिक होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती। आनुपातिकता का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक को लाना होगा। यहाँ ये स्थिरांक को रो से दर्शाते हैं। रो को प्रतिरोधकता एवं रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोधकता की SI यूनिट ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता चालक के द्रव्य पर निर्भर करती है। तो ये बात हुई प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने घर में देखें तो अलग अलग उपकरण पावर सप्लाई से जुड़े होते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब एक उपकरण खराब होता है तब दूसरे उपकरण पर उसका असर नहीं दिखाई देता। यदि हमारे घर में एक बल्ब खराब होता है तो दूसरे बल्ब में रोशनी आती रहती है, या फिर फ्यूज या MCB जैसे उपकरण को देखा होगा जो कि विद्युत मीटर के पास लगा रहता है। इन उपकरण का काम ये होता है कि घर में किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट होने के समय ये पावर सप्लाई को वही रोक देते हैं और बाकी उपकरण को खराब होने से बचा लेते हैं। क्या कभी सोचा है कि इन उपकरणों को घर के विद्युत परिपथ में लगाने का एक खास नियम रहता है। वीडियो के इस भाग में हम परिपथ में विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध को लगाने पर चर्चा करेंगे। आपने सीरीज और पैरेलल तो कई बार सुना होगा। इन उपकरण के परिपथ में लगाने के नियम के पीछे सारा खेल सीरीज और पैरेलल का ही है। ये सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, चलिए थोड़ा करीब से जानते हैं।
ये परिपथ लेते हैं। यदि इस परिपथ में एक एमीटर लगाया जाए और स्विच को ऑन करे तो हमें परिपथ में विद्युत धारा का मान मिलेगा। यदि इस परिपथ में एक बल्ब श्रेणी क्रम में और जोड़ा जाए तब ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार एक बल्ब पहले उज्ज्वल हो रहा था दूसरे के लगने के कारण वे दोनों कम उज्ज्वल हो रहे हैं। विद्युत धारा का मान गिरा है लेकिन दोनों बल्ब में विद्युत धारा तो बराबरी से जा रही है, फिर बल्ब कम उज्ज्वल क्यों हो रहे हैं? यू बल्ब के कम उज्ज्वल होने के पीछे कारण है विद्युत की दूसरी राशि विभवांतर में बदलाव। चलिए विभवांतर नापने के लिए एक मल्टीमीटर की सहायता लेते हैं। मल्टीमीटर एक उपकरण है जिसे विद्युत से जुड़ी कई राशियों का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ ये मल्टीमीटर एक वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा। यदि मल्टीमीटर को इन बिंदुओं पर लगाए तो हमें 9 वोल्ट मिलेगा और इसी को हम दोनों बल्ब के साथ लगाए तो रीडिंग कुछ इस तरह दिखेगी। इस एक्टिविटी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत धारा का मान बराबर रहता है और विभवांतर का मान जितने प्रतिरोध परिपथ में होते हैं उनमें बढ़ जाता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि परिपथ में लगे सारे प्रतिरोध के अंतर्गत विभवांतर को जोड़ा जाए तो वह परिपथ में लगे संपूर्ण विभवांतर के बराबर होता है। इसी निष्कर्ष को सूत्र की तरह लिखा जा सकता है और साथ इस सूत्र में ओम का नियम लगाया जाए तो कुछ इस तरह का समीकरण मिलता है। विद्युत धारा पूरे परिपथ में बराबर है तो आखिर में कुछ इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा। ये कहना उचित होगा कि श्रेणी क्रम में सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध को जोड़ा जाए तब ये जोड़ परिपथ में समस्त प्रतिरोध बताएगा। दूसरे केस में यदि एक बल्ब को दूसरे से ना जोड़कर बल्कि दोनों बल्बों को समानांतर रूप में परिपथ में जोड़ा जाए तो वह समानांतर क्रम परिपथ कहलाता है। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम से विपरीत रहता है। यहाँ देखें तो दोनों बल्ब बराबरी से उज्ज्वल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि दोनों बल्बों में विभवांतर की मात्रा बराबर है। साथ ही विद्युत धारा दो भाग में बटती नजर आ रही है। गौर से देखें तो संपूर्ण विद्युत धारा इस केस में बढ़ गई है, जबकि बैटरी हमने पहली वाली ही उपयोग की है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध के समक्ष विभवांतर तो बराबर रहता है लेकिन विद्युत धारा परिपथ में बट जाती है। यदि प्रतिरोध की संख्या बढ़ाई जाए तो विद्युत धारा उतनी ही बार बढ़ जाएगी। तो यह व्यक्तिगत विद्युत धारा को जोड़ा जाए तो परिपथ में संपूर्ण विद्युत धारा का मान मिलेगा। यह भी ओम का नियम लगाकर समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है। विभवांतर बराबर होने के कारण समानांतर क्रम में लगे प्रतिरोध में कुछ इस तरह का संबंध मिलेगा। यदि प्रतिरोध की संख्या बढ़ा दी जाए तो वह इस समीकरण में बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि हमारे घर में सभी विद्युत से चलने वाले उपकरण समानांतर क्रम में लगे रहते हैं ताकि सभी को अपनी प्रतिरोध अनुसार विभवांतर मिल सके और एक उपकरण के खराब होने का दूसरे पर असर ना पड़े। इसी प्रकार फ्यूज श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है ताकि सारी विद्युत धारा इससे होकर गुजरे और शॉर्ट सर्किट के समय कोई दूसरा उपकरण खराब ना होकर ये विद्युत की सप्लाई को वही रोक दे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है और साथ ही प्रतिरोध को भी परिपथ में लगाने के विभिन्न तरीकों को समझा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब समझ आया होगा। साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह घर में लगे विभिन्न उपकरणों के चलने के पीछे क्या राज होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनको और करीब से जानेंगे।